नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ इस वक्त बिल्कुल तैयार हूं। जी हां, बहुत ही टैलेंटेड है फिल्म मेकर कामख्या नारायण सिंह की मैं बातें कर रहा हूं, जिनकी मूवी भोर को बहुत पसंद किया जा रहा है। जी हां, बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में तो हमने उनको देखा है, इस मूवी को हमने देखा है। अब ये मूवी जो है, इसकी स्ट्रीमिंग जो है वो एमएक्स प्लेयर पे भी हो रही है, और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज उनके साथ थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने वक्त फ्रेंड्स एफएम को भी दिया है, तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। कमल के सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड गिविंग मी द टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। भोर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और बहुत ही पुरानी इशू है, बहुत दिनों से इसके बारे में बातें होती आई है, और इसी इशू को एक बार फिर से आपने उठाया है। भोर की बातें हम कर रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो कैसा रहा, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सीधा जानना चाहूंगा भोर के बारे में, एक्सपीरियंस कैसा रहा, टॉपिक जो है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो बड़ा वो है और सत्य साबित हुआ मेरे साथ भी, फिल्म मेकर का जो पहला फिल्म होता है वो सबसे बड़ा स्कूल होता है उसके लिए। फिल्म स्कूल में जो सीखा वो एक अलग चीज है, पर जैसे ही वो पहली था वो उसके लिए सबसे बड़ा स्कूल है, और उनको रखने भी वो उसको सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय वो खाली स्लेट होता है। तो मैंने जब भोर बनाना शुरू किया, राइट फ्रॉम कास्टिंग टू पोस्ट प्रोडक्शन टू रिलीजिंग टू गोइंग टू द फिल्म्स, अपने आप में सीख था। मैं पानी में कूद गया और उसके बाद एक एक करके सीखता रहा। क्या बात, ठीक है। तो किताबों में पढ़ता था और उसको जब रेप्लिकेट करने के लिए आया तो थोड़ा अलग था, और उसमें थोड़ा टाइम लगा हमको, पर हाँ, मतलब आग में ही तपके कुंदन बनता है। बिल्कुल, तो वही बात है। तो सर ये बताइए कि पानी में कूदे, साल की जर्नी थी, और पानी में कूदे तो ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन वगैरह सब लेके कूदे होंगे, और मगरमच्छ का भी भय रहा होगा, तो कैसे आपने हैंडल किया है? क्योंकि इस वक्त जो समय है बहुत ही कॉम्पिटिटिव, इस वक्त कंपटीशन जो है काफी टफ है, और डिजिटल होने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद बहुत सारे नए डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, तो क्या सोचकर आपने आपने सोचा था कि भोर जैसी मूवी को बनानी चाहिए? तो पिछले 5-10 साल में आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे मतलब इस पे बहुत सारी बातें हुई है सैनिटेशन के ऊपर। लास्ट गवर्नमेंट भी कर रही थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, और एक मूवमेंट बना दिया सैनिटेशन को तो इस गवर्नमेंट ने। तो इसमें मुझे लगा कि जो अंतिम व्यक्ति है, हमारी जो ओरिजिन है वो बिहार से है, ठीक है, पर मेरा जन्म और अपब्रिंगिंग गुवाहाटी में हुआ है, स्कूल गुवाहाटी में हुआ है। तो हमने देखा कि जो अंतिम व्यक्ति है, और मुसहर जो समाज है बिहार में, वो बड़ा पिछड़ा हुआ समाज है। तो मुझे लगा कि वो अंतिम व्यक्ति किस तरीके से ये सैनिटेशन को लेता है, एजुकेशन को लेता है, और वो क्या करता है उसके ऊपर, तो ये मैं चाहता था। और इसके लिए ही मैंने, जब मैंने अपनी फिल्म के बारे में सोचा कि मुसहर किस तरीके से सैनिटेशन को लेगा, और वहां अगर मुझे पता चला कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वो वहां आईपीएस बना हो, आईएएस बना हो, ब्यूरोक्रेट बना हो, या मैं जब रिसर्च कर रहा था तो जो मुझे पहला वकील मिला, जो वकील है, पहला पीएचडी मिला मुसहर समाज से, तो मुझे लगा जब एजुकेशन आता है और एक लड़की को एजुकेशन आता है और वो सैनिटेशन के बारे में बात करती है अपने समाज में, तो उसको किस तरीके से ले जाता है। तो ये बहुत लाइट हार्टेड सेंसिटिव फिल्म है। बिल्कुल, लोगों को पसंद भी आ रही है, क्योंकि ये इशू लेकर कई दिनों से बातें हो रही है। तो मुझे खबर मिली है कि 2 महीने की वर्कशॉप आपको करनी पड़ी थी, कुछ बताना चाहेंगे कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी है इस मूवी को तैयार करने में? तो जब हम लिख रहे थे, तो मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मुझे सारी चीजें इजी लगती थी, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, तो मुझे एक्टरों को हैंडल करना कभी आता नहीं था, जो बिजी एक्टर्स हैं। तो मुझे लगा कि एक्टर्स जाएंगे, हम कहानी सुनाएंगे और एक्टर्स तो आ जाएंगे हमारे साथ काम करने के लिए। तो हम गए और हमने बताया कि हमारे पास ऐसे इसकी स्क्रिप्ट है, और क्योंकि रूरल इंडिया की स्क्रिप्ट है, तो आजकल जो शहरों में रहने वाले एक्टर्स हैं उनको गांव में ले जाके उनकी बॉडी लैंग्वेज ढालने में मुझे टाइम लगेगा, तो मुझे 2-3 महीना चाहिए होगा उनका। तो मोस्टली जो एक्टर्स थे, जो नोन फेसेस थे, वो बहुत काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे टाइम देने से मना कर दिया। ये भी रीजन था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, तो उनको लगता था कि कैसे कैसा बनाएगा, क्या बनाएगा। फिर मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो दिलीप शंकर है, दिलीप शंकर ने बहुत सारी फिल्में कर रखी है, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर, एंड ही वॉज लाइक अ गॉड सेंट मैन। तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्राई फ्रेश फेसेस, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं काम करता हूँ गाँव से फेसेस उठाता हूँ। तो उन लोगों के साथ मैंने थोड़ा दिन काम किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, गांव में उनको मुझे बहुत टाइम तक एक्टिंग सिखानी पड़ेगी,
तो फिर वैसे एक्टर चूज करो, फ्रेश फेस चूज करो जो थिएटर करते हैं और वो तुमको टाइम दे। तो वैसे मैंने एक्टर्स चूज किया। ये पूरा का पूरा 6 महीने का प्रोसेस था जहां हमने एक्टर्स खोजे, और उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स गांव के ही थे, पर जो मुख्य किरदार निभाने वाले लोग थे, जो 10 लोग थे, वो हमने शहर से लिया, मतलब वो हमने ड्रामा स्कूल के पास आउट को लिया, और उन लोगों के साथ हमने 2 महीने का एक अनूठा वर्कशॉप किया। हम इसमें उनको एक्टिंग नहीं सिखा रहे थे, मैं एक्टिंग करके नहीं सिखा रहा था, मैं उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज को सिखा रहा था, वाह उनके क्या नाम है, कपड़े कैसे पहनने हैं उनको, उस पे उनको वो सिखा रहा था, उनको बात चलना कैसे वो बता रहा था। तो ये सारी चीजें हमने कर रहे थे 2 महीने के लिए। ओके, तो कपड़ों की बातें हो रही है तो कॉस्ट्यूम पर भी काफी ध्यान दिया गया है, और लोकल जो कॉस्ट्यूम है उसके काफी यूज किया गया है, तो उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे, कॉस्ट्यूम लेकर कुछ बताना चाहेंगे? तो हुआ क्या कि मेरी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात हो रही थी, तो उसने कहा बिहार को बड़े अलग नजरिए से देखा जाता है। अभी बिहार में भी पटना अगर आ गए तो ठीक है, पटना, पर पटना इज नॉट बिहार, पटना बिहार बिहार इंटीरियर्स में जाके बिहार है, मतलब मुझे कोसी बेल्ट में जाना पड़े तब बिहार है, करेक्ट अच्छा पूर्णिया के गांवों में जाना पड़े तब बिहार है। जी तो मुझे मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा कि यस आई विल कम टू पटना, और क्या है फिर मुझे सारे जो एक्सपीरियंस लोग थे, मजे हुए लोग थे, वो लेने थे मुझे, क्योंकि मैं पहला काम कर रहा था, मुझे चाहिए था बेस्ट, मुझे हमेशा वो आ रहे थे मैं कैमरा लूंगा तो बेस्ट लूंगा, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स। जी तो उन्होंने कहा कमाख्या व्हाट वी विल डू इज सेंड मी द रेफरेंसेस ऑफ मुसर्स हाउ दे वेयर द क्लोथ्स, सो मैं वो कपड़ों को वैसा बना दूंगी। मैंने कहा कैसे बना दूंगी तुम? बोले कि हम चाय के पानी में लेंगे, डुबाएंगे और उसको थोड़ा फाड़ देंगे और वो दिखेगा वैसा। बन मैंने कहा जाएगा। कभी भी नहीं, एक नया कपड़े को, नए कपड़े को पुराना उस तरीके से दिखा नहीं सकते, और मुसहर क्योंकि वो तो ज्यादा मतलब 7-5 साल पुराना टी शर्ट भी पहन रहा होता है और उसको सी सी के भी सिलाई पहन करके, रहा होता है। जी। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर गांव गया, आइडिएट करता रहा, आइडिएट करता रहा, मुझे लगा यार एक काम करते हैं, इन लोगों से ही कपड़े लेते हैं, कोई वो नहीं होता। मेरे मेरी जो असिस्टेंट थी, मैंने कहा तुम मेरी लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करोगी? बोला कैसे? तो मैंने कहा तुमने सारा कपड़ा बोरो करो उन लोगों से, वो कपड़े हम क्या नाम है यूज करेंगे, और सबसे दो दो कपड़े और सबको दो दो जोड़ी कपड़े, नए कपड़े देना शुरू कर वाह दिए। क्या वो बात भी है, खुश, जो मुसहर समाज के लोग थे वो भी खुश, और हमारा भी सही काम हो रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जो मुसहर की बात करे तो मेरे एक्टर के पैर फटे हो, होंठ बिल्कुल फटे हो, गाल काले हो, और काले के काला रंग करने के लिए मैं काला मेकअप ना करूं। मैं हमेशा अपने मेकअप मैन से वो कहता हूं कि तुमने जो फीस लिया वो इसलिए लिया कि तुम चेहरे पे धूल लगाओ, ऐसे तुम पाउडर लगाने का पैसा लेते हो, मैं धूल लगाने का पैसा लिया। या तो वो बड़ा रोचक था मेरे लिए। तो मुझे बताएंगे जब आपने शूटिंग वहां शुरू की, और जो कह रहे हैं आप मुसहरस की अगर बातें करें, तो वहां के लोगों का कैसा आपका सपोर्ट था, वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे, और जब देखा उन्होंने की शूटिंग हो रही है और वहां के लोकल लोग भी काम कर रहे हैं उस मूवी में, तो उनका रिएक्शन कैसा था? अच्छा मुझे ना, मुझे बहुत डराया गया था कि बिहार में शूटिंग करोगे बड़े डॉन आ जाए, आप सोचिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर जाने को तैयार नहीं है, म्यूजिक, जी मैं म्यूजिक भी लाइव करना चाहता था, म्यूजिक डायरेक्टर ने, हम पैसा लेके गए थे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कलकत्ता से हैं, बंगाल के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बंगाल से हैं, मुंबई में बहुत दिन मतलब उनके गाने रिमिक्स में बजते हैं, उनके जी घर पैसा लेके गया था मैं कि अब पैसा दे दूंगा और वो साइन कर लूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें म्यूजिक तो यही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? मैंने कहा नहीं, हम लाइव कर रहे हैं गाँव में चल के, आपको बताया था। बोला नहीं देखो मैं पटना से तो स्टेप आउट नहीं करूंगा। जी तो मैंने पैसा लिया और चला गया। वो लक्ष्मी नारायण बोले कि लक्ष्मी नारायण लेके आए हो क्या? बोला नहीं 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 हम लेके नहीं आए, और चले गए। उसका रीजन ये था कि लोग बिहार से डरते थे, पर जब मैं गया, और मैं पहले तो कोसी बेल्ट में शूट करना चाहता था, ठीक, कोसी बेल्ट, कोसी एक रीजन है नॉर्थ बिहार में, वहां शूट करना चाहता, पर वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते, तो मेरा जो असिस्टेंट था भास्कर विश्वनाथन, तो उसके गांव शूट किया, उसने मेरे साथ फिल्म लिखी भी है, तो उसके गांव में शूट करने की सोची। यू वोंट बिलीव कि पहला 10 दिन जब हम वर्कशॉप कर रहे थे तो थोड़े लोग, कहीं भी आप जाइए तो 10 दिन लोग थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, जमा हो उसके जाते हैं। बाद लोगों ने अपने घर दिए, लोगों ने अपना खाना दिया, लोगों ने, जो मुसहर समाज के लोग थे उन लोगों ने तो दिन भर घर में नहीं होते थे, उनका घर हम यूज कर रहे होते थे। मुझे मुझे मेरा जो, मैंने अपने वेकेशन, मेरे पिताजी का जो गाँव है पटना, पटना जिला में बीटा एक जगह है, वहां का गाँव है, मुझे लगता है कि जितना मेरे गाँव में मुझे प्यार मिलता उतना ही वहां पे गाँव पे प्यार, क्या बात है, बात को लेके बहुत कंसंट्रेट कि ये हमारे इज्जत का सवाल है कि हमारे गांव में सिनेमा बनने आया है और इसको हम बढ़िया से बनवा देंगे, क्या ठीक बात है। है, क्या बात पता है। नहीं मतलब हम लोगों को सोचते हैं कि गांव में लोग कम सेंसिटिव है, मुझे लगता है गांव के लोग ज्यादा सेंसिटिव है।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव के लोग जो होते हैं काफी काफी सेंसिटिव होते हैं और काफी कोऑपरेट भी करते हैं वो, और वही नजर आया इस मूवी भोर में भी। तो चलिए कुछ कैरेक्टर्स को लेकर ही बातें करते हैं। मेन कैरेक्टर जो है बुदानी की, अगर हम कैरेक्टर की बातें करें जिसे सविनय श्री ने प्ले किया है, तो कुछ बताना चाहेंगे? उनका उनका किरदार सबसे स्ट्रांग किरदार है, और कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, कैसा रहा? सावेरी ने बहुत अच्छा काम किया। सावेरी से जब हम कास्टिंग कर रहे थे, मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो थ्रू आउट द फिल्म बहुत डाउन प्ले करे अपने कैरेक्टर को, पर स्ट्रेंथ ना उसके काम में दिखे। मुझे कोई चिल्लाने वाला एक्टर नहीं चाहिए था कि चिल्ला के बताए कि मेरा अधिकार क्या है। ठीक है, वो अधिकार पे काम करे। तो वो जो कैरेक्टर मॉड्यूल था वो सावेरी ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। सावेरी एक शहर की लड़की थी, उसको ला के गाँव में 2 महीने रखा हमने, गाँव के चाल चलन सिखाए। और देखिए, बहुत सारे जो दुनिया में आंदोलन हुए हैं बहुत चिल्ला के नहीं हुए हैं, बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं बहुत चिल्ला के नहीं हुए, वो शांति से भी हो सकता है। और ये लड़की में वो उसके आवाज में वो शांत हमेशा थी, ये शांतिपन का वो था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है, और वो जो है नजर आ रहा है इस मूवी में बोर्ड में। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने सारे इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इस मूवी को दिखाया जा चुका है, तो वक्त बहुत ज्यादा लग गया ऐसा आपको लगता है? करीब करीब 2 साल 2.5 साल हो गए हैं इस मूवीज को, 2 साल पहले भी हमने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में देखे थे, तो समय ज्यादा लगा इसे रिलीज करने में, ऐसा आपको लगता है, मानते हैं? थोड़ा लग गया। आप देखिए, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। मैंने कहा ना, पानी में कूद कूद गया, फिल्म पहले बना दी उसके बाद सचा। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ, एक कि मैं बड़े बैनर्स के साथ भी करना चाहता था, तो तब बैनर होता तो इजीली इजी टू रिलीज होता है। करेक्ट, तो मैं बड़े बैनर्स के पास गया कि आई हैव द मनी, यू कैन गिव अस द बैनर। ने कहा यस, वायबिलिटी मेरा एक पंगा ये है कि यार यू मेक दिस स्टोरी इज गुड, आइडिया इज गुड, मेक दिस अर्बन सेंट्रिक फिल्म। ठीक है, ओके, अर्बन एरिया में सब कुछ हो जाए। यानी कि ठीक उनके है, अनुसार आपको बदलना होगा, नी विलेज वाज आपको इम्पोर्टेंट। तो चेंजेस करना होगा। आई डिड नॉट फिडल विद माय स्टोरी, कहानी के साथ मैं चेंज नहीं करना चाहता। और मुझे हमेशा लगता था कि हिंदुस्तान में हम ना गांव की कहानियां बोलना भूल गए। ठीक है, जहां की जो हमारा आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वो गांव में बसती है। तो मैंने कहा कि भैया नहीं, मेरे को तो गांव में बनाना है। ठीक है, मेरी पहली फिल्म मेरे हिसाब से होगी, ठीक है, किसी बैनर के हिसाब से नहीं हो सकती। तो हमने कहा कि नहीं, हम गांव में करेंगे। तो गांव में बनाया, उसके बाद ले गए फेस्टिवल में, क्योंकि अब कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था, बहुत बड़ा वो नहीं था, तो टाइम तो लग जाता है थोड़ा बहुत, बट हाँ इट्स कमिंग, आई एम देर, आए दुरुस्त आए, इट्स गेटिंग रिलीज, इट्स आई एम हैप्पी विद। बिल्कुल, रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है, और नए किरदार हैं लेकिन इन्होंने सबका दिल जीता है। चलिए अब थोड़ी सी नलिश की भी हम बातें करते हैं, इन्होंने भी काफी किरदार जो है इनका भी स्ट्रांग है, जो चंपू का किरदार हमने देखा है, चंपू का, तो कैसा रहा इनका, इनके इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो चंपू चंपू बड़े यंग आदमी है, मतलब चंपू मेरे से 1-2 साल बड़े होंगे बस, या छोटे होंगे 1 साल। ठीक है, हम सब हम उम्र हैं, तो मुझे हम बहुत परेशान थे कि यार कौन बाप का कैरेक्टर करेगा। तो हम 2-3 लोगों से बात कर रहे थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नाम है चंपू वो मेरे मामा के गाँव में एक आदमी होता था उनसे लिया हुआ था, और जो कैरेक्टर है वो हम मैंने अपने मुसहर टोली में देखा हुआ था एक कैरेक्टर को। ठीक है, तो मुझे लगा था कि ऐसा ही कोई कैरेक्टर बनाना है, पर इस कैरेक्टर में ग्राफ था, इसी इस कैरेक्टर का एक ग्राफ था, अप था डाउन था, आ, आ, थोड़ा कभी निगेटिव होता है कभी ह्यूमरस होता है। तो मुझे लग रहा था कि एक हमने एक आदमी को, और बॉलीवुड में मैं चाहता था एक आदमी है जो जिसे ये करवाऊं, पर वो माने नहीं, उन्होंने टाइम नहीं दिया, मैं परेशान था। मैंने कम से कम उसके अलावा फ्रेश फ्रेश के 350 ऑडियंस ऑडिशंस कर लिए थे। दिलीप जी ने मुझे, मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर ने, एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो में इन्होंने एक्टिंग की थी, कोई एक बहुत अच्छी अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म किया था, वो जब मैंने देखा मैंने कहा ही इज ऑन, इनकी ऑडिशन नहीं करी हमने, ठीक है, हमारे स्क्रिप्ट नहीं भेजे। और इन्होंने जब मेरे से फोन पे बात की, फिर उसके बाद मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री करता हूँ ट्रैवल एक्सपी के साथ, तो मैं फिर बाहर चला गया। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे साइन कर रहे हो कि नहीं, मैंने कहा आप फोन पे ही सोच लो कि मैंने 101 रुपए दे दिया, ठीक है, आप तैयार हो मेरे लिए। उसके बाद नलनीश ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो 2 महीने आपने आपको नहाया नहीं, कपड़े नहीं बदले, तो उस कैरेक्टर में घुस गया, जो पिग होता है उसमें पिगलेट्स के साथ खेलना, तो ये सारी चीज, खेत जी में काम करना, अपनी बॉडी को उस तरीके का बना दिया नलनीश ने। तो नलनीश जो की जो आप फिल्म में देख रहे हैं वो उनके 2 महीने का अथक परिश्रम है। वाह,
बिल्कुल, इसीलिए रियल कैरेक्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं जितने भी कैरेक्टर्स की हम बातें करें, और इसका क्रेडिट जो है आपके ऊपर जाता है क्योंकि आपने चुन चुन कर इन किरदार को निकाला है, और इसीलिए निकाला है इसीलिए भोर इतना लोगों को पसंद आ रहा है। तो मुझे बताना चाहेंगे ओटीटी के बारे में आपकी क्या अब आपकी फील है, क्योंकि पहली मूवी आपकी ओटीटी पे रिलीज हुई है, एमएक्स प्लेयर पे लोगों को पसंद आ रही है, तो ओटीटी फ्यूचर ऑफ ओटीटी क्या लग रहा है आपको? बहुत फ्यूचर है, बड़ा फ्यूचर है। सी टेलीविजन का जो कंजम्पशन है वो इंस्ट्रूमेंट का कंजम्पशन चेंज हो सकता है। टेलीविजन इज ऑलवेज मतलब जो एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन है वो तो है ही है, तो वो ओटीटी हो टेलीविजन हो, सो इट्स अ न्यू वे ऑफ सेलिंग योर कंटेंट एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। देयर इज अ बिग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट देयर, सो पीपल आर यूजिंग इट एंड इट हैज अ फ्यूचर, सो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। क्या क्योंकि बात इसमें लोग अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो कंटेंट देखना है जिस समय पे देखना है उस समय देख सकते हैं और जितना चाहे उतना देख सकते हैं। मतलब मुझे एक एपिसोड देखने के बाद दूसरे एपिसोड के लिए वेट नहीं करना है, उसी समय मैं 9 के 9 एपिसोड देख लेता हूँ, ठीक है? तो वो एक सबसे बड़ी चीज है, आप बिंज वॉचिंग कर सकते हैं। तो ये जो नया दौर है उसके देखिए आपको डिलीवरी सिस्टम में इनोवेशन करते रहने पड़ेंगे, तो एक नया इनोवेशन है एंड इट हैज अ फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अब आने वाले आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अगर आप बातें करें, क्योंकि वो रिलीज हो चुकी है, इसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं? मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ कश्मीर के ऊपर, तो इट्स अ जियो पॉलिटिकल फिल्म, सो इट विल कम सून, इतना ही बता सकता हूँ वाह अभी। क्या बात, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा बातें करेंगे। कुछ कहते बिल्कुल जाइए भोर को, भोर के सक्सेस के बाद आप कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? और जो लोग देख चुके हैं मैं चाहूंगा कि आप अपने राय बताइए कैसा आपको लगा, और जो लोग नहीं देखे प्लीज देखिए, ये एक नए तरीके से गांव की कहानी है। और हम लोगों ने गांव जब प्रेमचंद को पढ़ते थे तो स्कूल में कम से कम गांव की कहानियों को याद रखते थे, हमारे गांव अभी भी है और हमें एक बार गांव जाके देखना चाहिए। ये फिल्म आपको अपने गांव लेके जाती बस ये, क्योंकि हमारा बिल्कुल जनरेशन तो थोड़ा गांव गया है अपने वेकेशंस में, जी, तो अपने गांव आप वापस जाएंगे जरूर, ये इस बात का मुझे गारंटी है, आप एक बार देखेंगे तो। बिल्कुल। जो जो हमारे जनरेशन के हैं वो गांव देख चुके हैं, जिन लोगों ने आजकल के जनरेशन वाले हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो इस मूवी से गांव वाली फील जो है वो ले सकते हैं। करेक्ट मैं राइट, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मैं ये इस फिल्म से ये भी करना चाहता था कि हमने ना अपने फिल्मों में शादियों को बहुत ग्लैमराइज कर दिया है, ठीक है? शादी जी खुशी की चीज है और ग्लैमराइज ही होता है, हर आदमी के लिए ग्लैमरस होता है, पर हमने शादी सिर्फ अमीरों की दिखाई है, ठीक है? गरीब कैसे शादी करता है और उसके शादी में उसका ग्लैमर क्या है, जी वो सड़क का 20 रुपए का चश्मा पहन के भी अपने आप को शाहरुख खान ही समझता है, ठीक है? तो करेक्ट, उस रेबन के बिना भी वो शाहरुख खान है, इस बात को दिखाने की कोशिश की है और उसको क्या बात है, बहुत यानी कि संजीदगी से दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल बारीकी से इस मूवी को बनाई गई है और बहुत ही अच्छी लगेगी ये मूवी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है एमएक्स प्लेयर मतलब पर जाके आप जरूर देखिए सिर्फ वो। जी एक फिल्म है, मैंने जब देखा कि दो गेट टू मशीन हेलीकॉप्टर दिखा के हेलीकॉप्टर को खरीद लेने से आदमी अपने आप को खुश समझता है, वैसे ही यहाँ पे चमकू के हाथ जब चार चार बोतल वो भी चार मटकी वो भेज दी जाती है ताड़ी की, तो वो खुश हो जाता है कि मेरे संबंधी कितने रईस हैं कि चार मटकी ताड़ी भेजा अरे और वहां वाह ताड़ी और इंतजाम होगा। तो ये जो छोटी क्या छोटी बात, खुशियां हैं शादी में, ये तय होना कि पूरी सब्जी मिलेगा या और कुछ मिलने वाला है, तो ये जो अरे वाह, बातें हैं ये बातों को हमने थोड़ा भुला दिया था बॉलीवुड में, तो वो चीज उन फ्लेवर्स को लाने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत मजा आएगा इस मूवी को आप देखेंगे, सेंसिटिव इश्यू है साथ ही साथ फन भी है, सब कुछ आपको इस मूवी में नजर आएगा बोर में। थैंक यू सो मच कामाख्या हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू सो बातें मच, करके सर। थैंक आने यू वाले दिनों में थैंक और भी आपके नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, यू गुड थैंक नाइट, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू है थैंक हमारे साथ यू थे कामाख्या, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी उनके नई मूवी यानी कि बोर के बारे में हम बातें कर रहे थे, जिसे आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पे। ये अच्छी मूवी है, इस मूवी को जाके जरूर देखिए, लाइक कीजिए और जरूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।